हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टोनर चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज, जो यूपीएससी क्लियरेंस टारगेट 2022 और जो भी अदर स्टेट के पीसीएस होने वाले हैं 2022 में, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखिए, थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको हमको अप्लाई करना भी आना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स और पीटी में हमको ये देखना होता है कि हम कितनी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं। क्योंकि हम पढ़े तो बहुत सारा होते हैं लेकिन प्रैक्टिस और रिविजन की कमी के कारण हम उसको नहीं कर पाते और एमसीक्यूज भी हम कम सॉल्व करते हैं। इसलिए मैं सारी एनसीईआरटी एमसीक्यूज फॉर्म में आपको कवर कराऊंगा जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं जाता। 5 जून तक मैं सारी आपकी जो है पूरी सीरीज लगातार रखूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विद एनर्जी के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास से मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, सोचिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिएगा। 5 सेकंड अवेट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे अपन क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों सोचिए जब तक आप लोग, 5 सेकंड वेट करते हैं। आप लोग आंसर जरूर किया कीजिएगा, उससे आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, आपको पता चलता है कि आपका ब्रेन कहाँ तक आपका जा सकता है और आपकी रिकॉलिंग पावर कितनी आ रही है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते थे जैसे कि इन्होंने बोला कि पराधीन को जारी रहते देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। तो एक नारा आप लोगों ने बहुत सुना है, फेमस है, करो या मरो का। तो जैसे ही आप इसको रिलेट करेंगे तो करो या मरो का नारा कहाँ दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। थोड़ी सा इसका व्याख्या मैंने लिखी हुई है, देख लीजिए आप लोग, डेट याद रखना 8 अगस्त 1942, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में भी लगाने को आ सकता है। ठीक है, कि रात जिस दिन कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी जी ने भारतवासियों से कहा कि मैं अपना छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे दिलों में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जप करें। वह मंत्र है करो या मरो। देखिए, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास से मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगा करें अपने नोट्स में मेंशन कर लिया कीजिएगा, रिविजन में आपको जो है काफ़ी हेल्प होगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड ही है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही होगी। फ्रेंड्स 5 सेकंड इसमें वेट करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, देखते हैं, यह एक हिंसक आंदोलन था, ये भी देख लेते हैं, उच्च वर्ग के लोग तथा नौकरशाही ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया था, क्या ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है। फ्रेंड्स 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे अपन। सोचिए आप लोग, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। जी हाँ दोस्तों, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाली है। चलिए मैं कहता हूँ आपको, ये सब कुछ नहीं पता आपको, ये स्वतः होता स्फूर्त वाला आपको जो वर्डिंग थोड़ा सा टफ लग रही है, तो आप ये देख सकते हैं, आपने भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बार पढ़ा है, तो उच्च वर्ग के लोग थे क्या? जैसे ही आप इस ऑप्शन को देखते, उच्च वर्ग के लोग नहीं थे ना दोस्तों, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, कट हो जाता। तो देखिए, जहाँ जहाँ ऑप्शन 3 होगा वो अपने आप ही कट जाएगा, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपन पहुँच सकते थे, है ना। अब देखिए, 2 ऑप्शन कट हो गए मेरे पास, क्या बचा, ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन सी बचा। और ये देखिए, बाय डिफॉल्ट 1 तो सही हो गया ना दोस्तों, तो ये वाली वर्डिंग का तो कोई रोल ही नहीं था ना। तो अपना स्टेटमेंट पहला क्या है, बिल्कुल राइट है। अब दूसरा देखते हैं, यह एक हिंसक आंदोलन था। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हिंसक आंदोलन था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसकी सही है। थोड़ी सी मैंने इसकी व्याख्या लिखी, देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तथा अगले ही दिन 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करके अनजानी जगह लेकर कैद कर लिया गया। कांग्रेस को एक बार पुनः गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। इन गिरफ्तारियों की खबर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया और हर जगह क्या हुआ दोस्तों, विरोध में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हो गया। ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग, क्या वहाँ पास ऑप्शन कट करने में आसानी जाती है, अदर स्टेटमेंट भी लग के आती तो भी आपकी हेल्प हो जाती है। और देश में जो होता है, स्कूल कॉलेजों में हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुई जिनमें शामिल लोगों पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी हुआ। बार बार के दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्रवाइयाँ थी, है ना। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा ये क्या था अहिंसा, ये क्या था, एक हिंसक कार्रवाइयाँ भी देखने मिली थी और ये अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था दोस्तों। ठीक है, तीसरा कथन असत्य इसलिए है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उच्च वर्ग के लोग और नौकरशाह सरकार के वफादार रहे। ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपने नोट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर दिखी समानांतर सरकार की स्थापना की गई। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। देखिए, ये 4 जगह दी गई, बलिया, झांसी, मिदनापुर और सतारा। सोचिए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर लेते हैं। अगर आप लोगों का ध्यान हो तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार जो बनी थी, अगर आपको पता हो थोड़ा सा भी, तो यहाँ पास आप देखिए क्वेश्चन को जज करिएगा। मिदनापुर में बिल्कुल वहाँ पर सरकार थी, जी हाँ। मिदनापुर कहाँ जाता है, बंगाल वाला एरिया हो जाता है, ठीक है। और बलिया में भी थी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो 1 और 3 तो अपन को चाहिए थी, कहाँ पास दिख रहा है दोस्तों 1 और 3? देखिए 1 और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना हमारे पास, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। झांसी तो बिल्कुल भी नहीं था, झांसी अगर आप कट कर ले जाते तो देखिए ये वाले ऑप्शन भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पास बलिया भी चाहिए था, इसलिए ऑप्शन डी भी कट गया। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया दोस्तों, ऑप्शन
बी बन गया। देखते हैं इसकी व्याख्या मैंने लिखी हुई है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, बंगाल के मिदनापुर जिले में और तामलुक और बम्बई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकारें बना ली। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बना हुआ है, ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 की घटना है, सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना करी थी। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, पता हो तो बताइए। वन सेकंड वेट करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात ये कर रहा है। इसकी व्याख्या देखते हैं, कुछ ज़्यादा व्याख्या है नहीं। 1939 में क्या हुआ है, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या किया था, त्यागपत्र दिया था, और सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कहता है लाल किला मुकदमा, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कौन से सैनिक शामिल हुए थे। यहाँ से भी पीटी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको बताना है। ये चार लोग दिए गए हैं, क्या स्टेटमेंट इसकी सही होगी, 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर उसको अपन डिस्कस करेंगे। कहता है जनरल मोहन सिंह थे क्या, देखते हैं, जनरल शाहनवाज थे क्या, जनरल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे और जनरल प्रेम सहगल थे। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपको देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो। देखिए जनरल मोहन सिंह नाम के बंदे थे ही नहीं लाल किला मुकदमे में, है ना, जैसे ही आप इसको कट करते हैं तो जहाँ जहाँ पहला होगा कट हो जाएगा, इसको भी कैंसिल कर दो, ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, तो ये तो हो भी नहीं सकता, ठीक है। अपने पास क्या देखा, ये वाला तो होगा नहीं, अब बचा कौन सा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बच गया। तो 2-3 तो देखिए बाय डिफॉल्ट सही है ना, बिल्कुल सही है, शाहनवाज भी थे और आपके ढिल्लो भी थे गुरुदयाल सिंह और जनरल प्रेम सहगल भी थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनता है। तो 2-3-4 इसका सही आंसर है। देखते हैं इसकी व्याख्या दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के जनरल जाने जाते शाहनवाज और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसे इतिहास में लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टेट पीसीएस वालों से सिंपल पूछ लिया जाता है कि लाल किला मुकदमे से कौन कौन संबंधित था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट से ही आपके फैक्चुअल निकल के जाते हैं, तो हम लोग ये नहीं सोचें कि फैक्चुअल अलग होता है कॉन्सेप्ट, और वैसे भी यूपीएससी क्या कर रहा है 70-30 में लेके चल रहा है, आजकल 70% या 60% ही कॉन्सेप्चुअल चल रहा है और 30-40% यूपीएससी भी फैक्चुअल में आ चुका है, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है फैक्चुअल अपने आप बनेंगे आपसे। पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विशाल जन प्रदर्शन हुए, हालांकि कोर्ट मार्शल में आजाद हिंद फौज ने इन बंदियों को दोषी पाया गया मगर सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और दिए गए कूट काम को सही प्रयोग करना है। देखिए क्रोनोलॉजी से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, एक या दो क्रोनोलॉजी आपको पीटी में जरूर देखने मिलेगी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, कृष्ण मिशन, नौसेना विद्रोह, लाल किला मुकदमा, 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, सोचिए। देखिए अब इसको आप लोग दिमाग लगाइए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिएगा, रिकॉलिंग पावर बढ़ती है, याददाश्त हमारी बहुत बढ़िया होती है। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन भी कब हुआ था, 1942 में हुआ था, और क्रिप्स भी हुआ था, लेकिन क्रिप्स कब हुआ था दोस्तों, ये मार्च में हुआ था, तो ये वाला कब हुआ था, ये अगस्त में हुआ था। नौसेना विद्रोह की बात हो रही है और लाल किला मुकदमा, तो नौसेना विद्रोह अगर आपको याद हो तो ये 1946 की बात कर रहा है और लाल किला मुकदमा भी 1945 की बात करेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग देखिए कि देखिए कृष्ण मिशन कब हुआ था, मार्च, तो पहले हमको क्या चाहिए, ऑप्शन टू बिल्कुल सही है, कहाँ कहाँ ऑप्शन टू, यहाँ पास है, तो ये देखिए ऑप्शन कट हो गया, ठीक है, नॉर्मल कट जाता है आपको एक भी पता होता है तो। अब देखिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बाद हमको क्या चाहिए, एक चाहिए, देखिए यहाँ भी सेम है और इधर भी सेम है, यहाँ तक तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे। अब फंसता है क्वेश्चन नौसेना विद्रोह में और लाल किला मुकदमे में, तो देखिए अब लाल किला मुकदमा कब हुआ था, 1945 में, तो ऑप्शन बी बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है, डेट भी आप याद रखा कीजिए क्योंकि क्रोनोलॉजी जो यूपीएससी पूछती बहुत क्लोज पूछती है। कृष्ण मिशन मतलब मार्च 1942, भारत छोड़ो मतलब अगस्त 1942, ठीक है, लाल किला मुकदमा मतलब नवंबर 1945, इसको याद रखिएगा, ठीक है, और नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो ये फरवरी 1946, ठीक है, डेट सहित ही आपको क्रोनोलॉजी आपको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन 1946, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है, 3 स्टेटमेंट दी गई है, 5 सेकंड वेट करते हैं, सोचिए जब तक आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला स्टेटमेंट कहता है फ्रेंड्स, इसे भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था। देखते हैं, इस मिशन ने भारत में 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया था। कैबिनेट मिशन ने संघीय केंद्र को केवल, देखिए वर्ड आ गया ना, केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों एवं संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिश की थी। क्या किया था इन्होंने, प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषयों पर नियंत्रण की सिफारिशें की थी। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक्सट्रीम वर्ड्स जो है कहीं कहीं सही भी होते हैं, 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वाले स्टेटमेंट गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है ये सही होता है, तो ऐसे पॉइंट आपको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना है, कैबिनेट मिशन में टेस्ट करके आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में जो है बहुत आसानी जाने वाली दोस्तों। तो ये वाला जिसको ऑप्शन राइट होगा, देखिए संघीय योजना की बात बिल्कुल सही की गई थी, भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए भेजा गया था, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, और प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषयों पर नियंत्रण की बात भी की गई थी, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयोग सभी किए
बात कर रहा है दोस्तों। देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या मैंने लिखी हुई है इसकी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ब्रिटिश सरकार ने, देखिए ये भी याद रखिएगा, मार्च 1946, क्योंकि नौसेना विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, फरवरी 1946, ये भी क्रोनोलॉजी में जम के आ सकता है, तो कैबिनेट मिशन भारत भेजा ताकि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन ने दो स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, जिससे आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जाए। इंपॉर्टेंट है, यहाँ के पॉइंट्स आप जरूर नोट कीजिएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1946 कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता था, ये वाला देखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। केंद्र का केवल, ये देखिए ये वाला पॉइंट तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषयों पर नियंत्रण होता था, इसको जरूर करना, बाकी करना चाहे नहीं करना। साथ ही प्रांत अपने अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, अपना मुस्कुराते रहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो लगातार बनाने के लिए हमको भी एक दम आती है, तो हम लोग भी आपके लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे कार्य करने के लिए। और जो हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंचते रहे। और जो नोटिफिकेशन होता है उस पर ऑल पर जरूर प्रेस कीजिएगा, क्या होता है कुछ कुछ नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते आप लोगों को, इसलिए ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप टेक केयर। और जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले के पार्ट जरूर देखिएगा, मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है UPSC NCERT MCQs के रूप में और डेली UPSC प्रैक्टिस के रूप में, उनको आप जरूर जो है देखिएगा।